क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं और इसीलिए ही आज बारी है रिवॉल्विंग क्रेडिट के बारे में जानने की। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवॉल्विंग क्रेडिट एक ओपन एंडेड क्रेडिट अकाउंट को रेफर करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसका यूज और जिसका पेमेंट बार बार किया जा सकता है जब तक कि आपका अकाउंट खुला रहता है। अब ये रिवॉल्विंग क्रेडिट कैसे काम करता है, इस बारे में बात करते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड की तरह वाले क्रेडिट अकाउंट के लिए अप्रूव किया गया है तो लेंडर क्रेडिट लिमिट सेट करेगा। क्रेडिट लिमिट वो मैक्सिमम अमाउंट है जिसे आप उस अकाउंट से चार्ज कर सकते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपके पास लेस अवेलेबल क्रेडिट लिमिट होगी और हर बार जब आप पेमेंट करते हैं तो आपका अवेलेबल क्रेडिट वापस बढ़ जाता है। रिवॉल्विंग क्रेडिट अकाउंट ओपन एंडेड है, जिसका मतलब है कि उनकी कोई एंड डेट नहीं है। जब तक अकाउंट खुला रहता है और अच्छी सिचुएशन में रहता है तब तक आप इसका यूज कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका मिनिमम पेमेंट हर महीने अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अक्सर इसकी कैलकुलेशन इस बेस पर की जाती है कि उस समय आप पर कितना बकाया बचा हुआ है। रिवॉल्विंग बैलेंस क्या है, अब इसे समझते हैं। अगर आप अपने रिवॉल्विंग क्रेडिट अकाउंट के बैलेंस का हर महीने पूरा पेमेंट नहीं करते हैं तो पे ना किया गया हिस्सा अगले महीने में शिफ्ट हो जाता है और इसे ही कहते हैं रिवॉल्विंग बैलेंस। आप ये मानकर क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप हमेशा हर महीने अपने पूरे बैलेंस का पेमेंट करेंगे, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से आप अगर अपने पूरे बैलेंस का पेमेंट नहीं कर पाते तो आप अपने आप को अगले महीने के लिए एक रिवॉल्विंग बैलेंस में जाता हुआ देखेंगे। रिवॉल्विंग क्रेडिट अकाउंट्स है कितने, लगे आते इन्हें भी समझ लेते हैं। क्रेडिट कार्ड क्रेडिट की पर्सनल लाइंस और होम इक्विटी लाइंस रिवॉल्विंग क्रेडिट अकाउंट से कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। क्रेडिट कार्ड, बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का यूज रोज की खरीदारी करने या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए करते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स और बेनिफिट के साथ आते हैं जिनका यूज आप अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की एक पर्सनल लाइन क्रेडिट कार्ड के इक्वल होती है, लेकिन ये एक फिजिकल कार्ड से लिंक नहीं है। इसके बजाय आपको चेक या सीधे अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट फॉर्म में पैसे मिल सकते हैं। होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट एक ओपन एंडेड क्रेडिट अकाउंट है जो आपको अपने घर की वैल्यू के मुकाबले पैसे लोन पर देने की फैसिलिटी देता है, और क्योंकि ये ओपन एंडेड है आप लोन ले सकते हैं और पैसों को कई बार चुका सकते हैं जितनी की आपकी क्रेडिट लिमिट है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट होम इक्विटी लोन से अलग है, जो यूजुअली एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ लमसम है जिसे आप एक बार लोन लेते हैं। तो इससे जुड़ा कोई भी डाउट है तो भर दीजिए हमारा कमेंट बॉक्स, और बस यूज करते रहे क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।